श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त संत वैष्णव भगवान की, देवादिदेव महादेव की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि स्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्यपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा मायामृगं दयितेप्सितमन्वधाम वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत बिन बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री।
सीताराम जय जय श्री राधेश। आइए परम राम भक्त श्री हनुमंतलाल जी के गुण गणों की चर्चा करने से पूर्व हम सब मिलकर के उनका स्मरण करें, ध्यान करें, वंदन करें, उसके बाद उनके चरित्रों का गान करें। मंगल मूरति मारो जे तू
उसी के परम स्नेही आप बखाना
परिवेश में वातावरण में अनंतानंत देवी देवताओं का दिव्य दर्शन हो रहा है और इस पवित्र परिसर में भगवत कृपा से हनुमंत लाल जी की गुणगणों की चर्चा आज से प्रारंभ है और हनुमान जी की ऐसी कृपा कि मैं भी इस बार प्रथम बार आपके इस देश में कनाडा में टोरंटो में आया हूं और एक पहला वक्तव्य इस भारत माता मंदिर से प्रारंभ हो रहा है। भारत से आए हैं, भारत माता के मंदिर में आए हैं, अपने वैष्णव भक्तों के बीच में आए हैं, कोई ना कोई निमित्त माध्यम बनता है। ठाकुर जी, हम लोग तो ठाकुर जी के इशारे पर नाचते हैं, हनुमंत लाल जी महाराज जैसे राम जी की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जही विधि राखे राम, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। तो राम जी ने भेज दिया तो आ गए। हनुमंत लाल जी जैसे राम जी की आज्ञा से आए और सारे कार्य उनकी इच्छा से करते हैं। अभी उनके चरित्रों में हम लोग 5-6 दिन चर्चा करेंगे। हम इस हनुमंत लाल जी की चर्चा में सबसे प्रथम धन्यवाद तो हम अपने दीक्षित जी को, साध्वी जी को देते हैं, जिनके प्रबल प्रयास से आज हमारा आना भी यहां संभव हुआ और भगवत चर्चा करने का सौभाग्य भी संभव हुआ। इसलिए विशेष धन्यवाद तो हम उनको देते हैं और भारत माता मंदिर के जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनको हम विशेष धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अल्प समय में तुरंत आप सबको सूचित करके इस कथा का प्रबंधन किया है। उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। भगवत चर्चा के माध्यम से ही आना हुआ है, पर एक बात बताएं, हनुमंत लाल जी की जब कृपा होती है तो राम कथा सुनने को मिलती है। हनुमान जी की कृपा से राम कथा संभव है क्योंकि हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को राम रचन जी काम रसिया, राम रचन जी काम रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा होती है, जब उनका सुनने का मन होता है तो वो राम कथा सुनते हैं। राम कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी हैं, तो राम कथा हनुमान जी की कृपा से सुनने को मिलती है, पर हनुमत कथा राम जी की जब विशेष कृपा होती है राम जी के अनुग्रह से, क्योंकि राम जी हनुमान जी की कथा सुनने के रसिक हैं।
जितना भक्तों को भगवान की कथा सुन करके आनंद प्राप्त होता है, उतना ही भगवान को भक्तों की कथा सुन करके आनंद प्राप्त होता है। इसलिए यदि हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं, तो राम जी हनुमत कथा के परम प्रेमी हैं। राम जी की कृपा होती है तो हनुमत कथा होती है। तो हमारे राम जी महाराज ने कृपा करी कि आज से हम लोग हनुमान जी की चर्चा करने के लिए उपस्थित हो गए। गोस्वामी जी ने वंदना में कहा कि महावीर विनवौ हनुमान। हनुमान जी महावीर है, वीर तो एक से एक रामायण में है, कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे महाभट हैं, लंका में लंकेश्वर के रावण के राज्य में एक से एक वीर है, पर हनुमान जी वीर नहीं महावीर है। महावीर विनवौ हनुमान। अच्छा, प्राय व्यवहार में देखा जाता है कि जो बहुत वीर होते हैं, बहुत पहलवान होते हैं, वो आपको बुद्धिमान नहीं मिलेंगे। कोई पहलवान बैठा हो बुरा ना माने, पर व्यवहार में आप अच्छी तरह अनुभव ये बात कर सकते हैं कि जो खूब कसरत करते हैं और खूब बॉडी बिल्डर बनते हैं, तो जो बहुत बलशाली मिलेंगे आपको, वो बुद्धिमान कम मिलेंगे। परंतु जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो बलवान नहीं मिलेंगे। परंतु हनुमंतलाल जी की एक विशेषता है, जिनमें सारे गुण एक साथ विद्यमान है। पहलवानों की बलशालियों की बात करें तो अतुलित बल धामम, कितना बल है कोई तराजू नहीं जो तोल सके, अतुलनीय बल है। फिर भी ऋषियों ने आचार्यों ने हनुमान जी के बल की चर्चा की है। पुराने जमाने में जब बलशालियों की बात होती तो हाथियों के बल से उनकी तुलना की जाती थी, इस वीर में इतने हाथियों का बल है, क्योंकि ज्यादातर बलशाली हाथी होते हैं। आजकल तुलना यदि की जाती है तो प्रायः घोड़े से की जाती है, इतने हॉर्स पावर का। पहले हाथियों से तुलना की जाती थी, तो हनुमान जी में कितना बल है कल्पना कीजिए। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज में होता है। दिग्गज जो 10 दिशाओं के स्वामी होते हैं उनको दिग्गज कहते हैं। तो 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना एक ऐरावत हाथी में होता है, जिस पर बैठ के देवराज इंद्र चलते हैं। और 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना एक इंद्र में होता है। इंद्र भी बड़ा बलशाली होता है, राक्षसों से वही टक्कर लेता है देवताओं के साथ, स्वर्ग का मालिक है। तो 10,000 ऐरावत हाथियों के बराबर बल एक इंद्र में होता है, और ऐसे 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है वो केवल हनुमान जी की एक कनिष्ठ अंगुली में है। कनिष्ठ माने सबसे छोटी उंगली जो होती है ना, पतली दुबली, तो हनुमान जी की सिर्फ एक अंगुली में 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना एक अंगुली में है। उनका एक एक अंग वज्र के समान है, इसलिए उनको वज्रंग बली कहा जाता है। जिनका एक एक अंग वज्र के समान कठोर हो, बलिष्ठ हो, ऐसे बजरंग बली है। बोले हनुमान जी महाराज जय। तो सोचिए कितना बल होगा, इसलिए महावीर विनवौ हनुमान। हनुमान जी सामान्य वीर नहीं, महावीर है। अतुलित बल धामम। अच्छा, इतने बलवान हैं तो बुद्धिमानों की यदि चर्चा करें तो बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में सामान्य बुद्धिमान नहीं है, वरिष्ठ हैं। जितने बुद्धिमान इकट्ठे करो उनमें सबसे प्रथम श्रेणी में श्री हनुमंतलाल जी विराजमान है, प्रथम पंक्ति के बुद्धिमान है।
पढ़े लिखे लोगों की बात करो कि कितने पढ़े लिखे हैं। बोले ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य, अग्र पंक्ति में बैठने वाले। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम भी हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी हैं और अतुलित बलधामम भी हैं। और प्रेमियों की बात करो, राम जी के भक्तों की बात करो, तो रघुपत प्रिय भक्तम, राम जी के सबसे लाडले प्यारे भक्त हैं। राम जास जस आप बखाना, राम जी ने सबसे अधिक किसी की प्रशंसा अपने श्री मुख से की है तो वो हनुमंत लाल जी है। सदा राम जी इनके ऋणिया बन करके रहते हैं। राम जी कभी हनुमान जी से आंख नहीं मिलाते। एक बार दरबार लगा हुआ था राम जी का, तो राम जी बार बार हनुमान जी को निहारते, और जैसी हनुमान जी राम जी की तरफ देखते तो राम जी तुरंत जानकी जी की तरफ देखने लग जाते। और जब हनुमान जी की दृष्टि इधर उधर होती तो राम जी हनुमान जी को निहारने लग जाते। ऐसा अनेक बार हुआ। अवसर पाकर के किशोरी जी ने ये बात भांप ली, तो एकांत में प्रभु से पूछा, बोले सरकार मैं आपको बार बार देख रही थी कि आपकी दृष्टि एकमात्र हनुमान से लगी रहती है, परंतु हनुमान जी जब आपकी तरफ देखते हैं तब आप मेरी तरफ निहारने लगते हो, उससे आंख मिला के क्यों नहीं देखते है? वो आपके दास हैं, आपके भक्त हैं, तो आंख में आंख मिला करके उनसे उन्हें देखो। राम जी ने कहा, जानकी जिसका ऋण बहुत ज्यादा चढ़ा होता है ना, उससे आंख मिलाने में ऋणिया जो होता है उसको थोड़ा भय रहता है कि कब अपना हिसाब हमसे मांग ले भाई। तो जिसका हमारे ऊपर बहुत ऋण चढ़ा होता है ना, उससे आंख मिलाने में डर लगता है। हनुमान जी के इतने उपकार हमारे ऊपर हैं कि राम जी कहते हैं कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती उससे आंख मिलाए। स्वयं प्रभु ने कहा, प्रति उपकार करो काको प्रति उपकार करो प्रति उपकार करो काको प्रति उपकार तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूं। प्रत्युपकार माने जो आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है तो उसके बदले में आपको भी कुछ उसके प्रति करना चाहिए, तो उपकार के बदले में जो किया जाता है उसको प्रत्युपकार कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, हनुमान प्रति उपकार करो का तोरा, मैं तुम्हारे लिए क्या प्रत्युपकार करूं। तुमने इतना ऋण मेरे ऊपर चढ़ा दिया है कि सन्मुख हो न सकई मन मोरा, तेरे से सन्मुख आने में मुझे भय लगता है। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, एकै कश्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपि, हनुमान तेरे एक एक उपकार के बदले में अपने प्राण भी तुम पर न्योछावर कर दूं तो भी पूर्ण नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि शरीर में प्राणों की संख्या सिर्फ पांच है, पंच प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान। तो शरीर में प्राण तो पांच हैं और तुम्हारे उपकार अनेक हैं, तो मैं अपने पांचों प्राण तुम्हारे को समर्पित कर दूं तो भी पूर्ण तो नहीं हो पाऊंगा। हनुमान जी के सभी ऋणिया हैं, हनुमान जी का आश्रय सबको लेना पड़ता है। राम जी के ऊपर उपकार किया हनुमान जी ने किया, वैसे सेवक तो स्वामी का उपकार नहीं करता, वो तो सेवा में ही सदैव समर्पित करके अपना सौभाग्य समझता है, पर हनुमान जी ने
जिन राम जी जो राम जी जानकी जी के विरह में बन बन भटक रहे थे, खोज रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। जानकी जी के खोज में राम जी व्याकुल हो अधीर थे और हनुमान जी ने वो राम जी का कष्ट दूर किया, जानकी जी का पता लगाया, उपकार हुआ कि नहीं राम जी का, जो काम कोई नहीं कर पाया वो हनुमान जी ने कर दिखाया। और राम जी के कष्ट का कारण एक मृग बना सोने का था, उस सोने के मृग को जानकी जी ने मांगा, वो डुप्लीकेट सोना निकल पड़ा, नकली सोना निकला, धोखा दे गया। राम जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ कि जानकी जी की एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया, जानकी जी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, जब से जानकी जी आई हैं, सदा मेरा साथ निभाया है, मेरे से कदम मिला करके चली है, परंतु जीवन में पहली बार कोई वस्तु मुझसे मांगी और वो मैं उनकी मांग पूरी नहीं कर सका। सोने का मृग ही तो मांगा था, पर क्या करूं, मांग पूरी करूं कहां से, सोने का मृग होता नहीं, परंतु जो मांगा वो नकली निकला, तो असली सोने का मृग कहां मिले। तो राम जी व्याकुल होकर के जानकी जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए सोने का मृग खोज रहे थे, तो नकली निकला वो तो गया, अब असली सोने का मृग कहां मिले, तो हनुमान जी के रूप में मिले। देखो वानरों को शाखा मृग कहा जाता है, शाखा मृग के बड़ मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, जो वानर होते हैं ना वो भी मृग कहलाते हैं। मृग शब्द व्यापक होता है, मृग का एक अर्थ तो है हिरण, परंतु मृग कहते हैं जितने भी वनचर हैं, जंगली जानवर जितने होते हैं, जंगल में जो विहार करने वाले जीव जंतु हैं, उन सबको मृग कहा जाता है, इसलिए शेर का नाम है मृगराज। जितने भी वनचर हैं, वन में विचरण करने वाले जीव जंतु, उन सबका राजा कौन है, शेर, इसलिए उसको मृगराज कहते हैं। वो केवल मृगों का राजा थोड़ी है, वो तो पूरे जंगल का राजा है, तो उसे मृगराज क्यों कहते हैं, क्योंकि मृग शब्द व्यापक है, एक तो हिरण के अर्थ में है, दूसरा सब जीव जंतुओं के वनचरों के अर्थ में भी मृग शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए आंख, चक्षु, परंतु देखना केवल आंखों से ही होता है, पर हम लोग सभी इंद्रियों के प्रति भी चक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों को देखती हैं। व्यवहार में भी हम लोग कहते हैं, अरे साहब ये क्या मधुर कंठ है इनका, क्या बढ़िया गाते हैं, कभी सुन के देखो। तो भाई देखने का काम तो आंख करते हैं, नेत्र करते हैं, परंतु कान भी कर रहे हैं कि नहीं, तभी तो हम कहते हैं सुन के देखो। तो कान सुन करके देख रहे हैं, कहते देखो क्या बढ़िया खुशबू है, जरा सूं के देखो, तो नाशिका भी देख रही है पर सूं करके देख रही है। अरे क्या बढ़िया भोजन है, जरा चख के देखो, खा के देखो, तो इसका मतलब जिह्वा भी देख रही है चख करके, कितना कोमल सुखद स्पर्श है, जरा छू के देखो, तो इसका मतलब त्वचा इंद्रिय भी छू करके देख रही है, है? इसलिए अक्ष शब्द संस्कृत में आंख का अर्थ, आंख को अक्ष कहते हैं, अक्ष माने आंख, उसी प्रकार सारी इंद्रियां भी अक्ष हैं, अपने अपने विषयों को अपने अपने ढंग से देख रही है, तो अक्ष शब्द व्यापक भी हो गया, इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अक्षज, अक्ष माने इंद्रियों का ज्ञान, अक्षत इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान है वो जिस परमात्मा से नीचे रह जाए उसका नाम है अधोक्षज, अधः अक्षज, माने भगवान को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो इंद्रियातीत है, इसलिए भगवान का नाम अधोक्षज है। बोलो जय सिया राम, जय सिया। तो उसी प्रकार मृग शब्द भी व्यापक है सभी अर्थों में, तो राम जी को लगा चलो हनुमान जी से जब भेंट हुई तो लगा कि वो तो नकली सोने का मृग था, परंतु ये असली सोने का मृग मिल गया, और इसलिए असली वाले सोने के मृग को जानकी जी के पास भेजा लंका में, कि जानकी तुमने जो मांगा था वो नकली निकला, अब मैं खोज करके असली वाला तुम्हारे लिए लाया हूं,
अब ये असली है कि नकली है ये तुम परीक्षण कर लेना लंका में। कि कैसे परीक्षण हो? बोले लंका भी तो सोने की है, लंका भी सोने की है, और जो मैंने शाखा मृग तुम्हारे पास भेजा है अपना संदेश दे करके वो भी सोने का है। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम हेम शैलावदेहम, हेम कहो या सोम स्वर्ण कहो एक ही बात है। तो स्वर्ण शैलावदेहम ये भी सोने के समान है श्री हनुमंत लाल जी महाराज, और लंका भी सोने सोने की ही है। तो सोने की मुद्रिका दे करके राम जी ने भेजा, राम जी की मुद्रिका भी सोने की है। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज ना। तो स्वर्ण मुद्रिका को स्वर्ण सैलाब दे हम हनुमंत लाल जी अपने मुख में धारण करके पहुंच गए सोने की लंका में। अब ये भी नकली है कि असली? एक कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, क्योंकि एक बार जल चुका है। ऐसी किशोरी जी को अब सोने के मृग से डर लगने लगा है, एक बार धोखा खा चुके हैं। तो जब हनुमान जी सामने आए तो मुंह फेर लिया कि एक सोने के मृग ने तो मुझे इतना दूर कर दिया मेरे प्रभु से, कि सोने का दूसरा मृग कहां से आ गया, कहीं इसकी वजह से और दूर न चली जाऊं, इसलिए फिर बैठी मन विस्मय भयो। माने मुंह फेर लिया, हनुमान जी को नहीं देखा डर के मारे। परंतु हनुमंत लाल जी परम बुद्धिमदान वरिष्ठ हैं, उन्होंने अपने दिव्य प्रभाव से वचनों की शब्द शैली से मां का हृदय जीत लिया, मां का विश्वास जीत लिया कि सत्य सपत करुणा निधान की राम दूत मैं मात जानकी, माता जानकी मैं राम जी का दूत हूं, सौगंध खाता हूं करुणा निधान की। अब ये जो करुणा निधान शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे आजकल मोबाइल में एक पासवर्ड होता है तभी वो खुलता है, और वो बड़ा गोपनीय होता है, वो हर किसी को बताया नहीं जाता। जो परम विश्वसनीय हो उसी को पासवर्ड बताया जाता है, हर किसी को नहीं। ऐसे ही जब राम जानकी जी पुष्प वाटिका में थी तो उनके मन में राम जी का जब प्रथम दर्शन पुष्प वाटिका में हुआ तो मूर्ति हृदय में बस गई, और उस समय पुनः गौरी माँ के मंदिर में पूजा करने गई, तब गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, मनुजा ही राजो बिलही सोबर सहज सुंदर साबरो, मनुजा ही राजो बिलही सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीर सनेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजान सीर सनेह जानत रावरो। माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, जानकी जिसको तुमने मन में बैठा रखा है मेरा आशीर्वाद है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा, मन जाहे राज्यो मिल ही सोवर सहज सुंदर सांवर। राम जी मेकअप करके सुंदर नहीं बनते, सहज सुंदर स्वभावतः सुंदर है, बिना श्रृंगार किए। हम लोग आभूषण धारण करके अपने को सुंदर बनाते हैं, पर प्रभु के अंग में आभूषण अपने को सुंदर बनाते हैं। परम पदम भूषण भूषण अंगम, हम आभूषणों से विभूषित होते हैं और आभूषण राम जी के अंग में जाकर के विभूषित होते हैं। इसलिए राम जी को सुंदरता के लिए कुछ आप को धारण करने की जरूरत नहीं है। सहज सुंदर सांगरो करुणा निधान, ये शब्द पार्वती जी ने माता जानकी को दिया। तो जानकी जी का जब विवाह राम जी से हुआ, वैसे व्यवहार में भी एक पुराने जमाने में भारत की ऐसी संस्कृति थी कि प्रायः पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे,
वो प्राइवेट कुछ संबोधन रखते थे। हमारे भारत के ग्रामीण अंचलों में तो अब भी पप्पू के पापा कह करके बेटे के नाम से पत्नी को बुलाते हैं, परंतु पति का नाम नहीं लेते। ऐसी पति भी पत्नी का नाम नहीं लेता और उसको कोई व्यक्तिगत अपना कोई नाम देता है अलग से, और वो ऐसा संबोधन होता है कि उस संबोधन को केवल पति पत्नी ही समझते हैं, दूसरा नहीं, दूसरे को पता भी नहीं होता। उसी प्रकार किशोरी जी हमेशा राम जी को जब बुलाती थी, वैसे तो ए जी ओ जी करके बुलाते हैं, जब कोई नाम नहीं होता तो ऐसे बोला जाता है, परंतु जानकी जी जब भी बुलाती थी तो करुणा निधान कहकर पुकारती थी। और ये बात केवल जानकी और राम जी के बीच की थी, तीसरे को पता नहीं थी। पर आज जब हनुमंत लाल जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तो ये पासवर्ड था जो हनुमान जी के पास था, और वो पासवर्ड का जब प्रयोग किया तो जानकी जी का विश्वास जम गया कि नहीं नहीं ये कोई बहुत अंतरंग व्यक्ति है जो हमारे पासवर्ड को जानता है, हमारे अंतरंग संबोधन को ये कैसे जानता है, इसका मतलब प्रभु का बहुत ही अंतरंग विश्वसनीय है। तो सत्य शपथ करुणा निधान की कह करके जानकी मां का विश्वास हनुमान जी ने जीत लिया। अब ये भी असली है कैसे पता चले, बोले सोने का पता अग्नि में चलता है, ये असली है कि नकली। आग में भी जिसकी चमक बनी रहे, चमकता रहे, वो असली, और नकली होगा तो आग में पता चल जाएगा तपते ही। तो लंका भी सोने की और हनुमान जी भी स्वर्ण सैलाब दे हम सोने के, तो लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने ही स्वयं हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, कब के ममता पूंछ पर। तो रावण ने तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, पर हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगाई, उसी की आंखों के सामने उसकी लंका सोने की जला करके खाक में मिला दी। और जब लंका पूरी जल गई और हनुमान जी का बाल बांका भी नहीं हुआ, तुरंत स्नान करके समुद्र में माता जी के सामने हाथ जोड़ के जब आ गए, तब मां का हृदय पूर्ण रूपेण विश्वास में से भर गया कि असली सोना है। मैंने जो देखा था सोने का मृग वो नकली था, असली सोने का मृग तो प्रभु ने खोज करके मेरे पास भेजा है, जिसने सोने की लंका को जला दी पर उसके अंग का बाल बांका भी नहीं हुआ, ये खरे सोने की पहचान है। बोल हनुमान जी महाराज जय। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी वीर नहीं महावीर हैं। और एक एक गुण अलग अलग गोस्वामी जी गा रहे थे। पहलवानों में अतुलित बल धामम, बुद्धिमानों में बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानियों में ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम, और अंत में गोस्वामी जी को हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि यदि एक एक गुण आपके गाता रहूंगा तो महाराज आपकी ही पूरी कथा हो जाएगी, मैं तो राम कथा कहने के लिए बैठा हूँ। इसलिए एक शब्द में कह दिया, सकल गुण निधानम बान राणाम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमः। कहां तक आपके गुण गाऊं, सकल गुण निधान आप हैं, जितने भी दिव्यादि दिव्य गुण हैं वो एक साथ श्री हनुमंत लाल जी में विराजमान हैं। इसलिए सकल गुण निधान कहकर के एक शब्द में सारे गुणों का स्मरण करें। इसलिए महावीर बिन बहु हनुमान, महावीर बिन बहु हनुमान, राम जास जस आप बखाना, राम जास जस आप बखाना, राम जास जस आप बखाना, राम जास जस आप बखाना।
महावीर श्री हनुमंतला जी के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और हनुमंतलाल जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, इसलिए सकल गुण निधान होने के साथ साथ वो गुरु बन, गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो समस्त दिव्य गुणों से भरपूर हो, वही सदगुरु बनने का पात्र होता है। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संसार में और किसी को यदि गुरु बनाए तो हो सकता है उसका कोई दोष देख करके हमारे मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो जाए, परंतु जिनको कोई समझ में ना आवे वो हनुमान जी को गुरु बना ले, क्योंकि ये समस्त दिव्य गुणों का सागर है और सबको राम जी से मिलाने वाले। और सबसे बड़ी बात है ये केवल राम जी से ही नहीं मिलाते, संसार का पद भी देते हैं और प्रभु के पद तक भी पहुंचाते हैं। स्वयं किसी पद की अभिलाषा नहीं रखते, स्वयं तो केवल राम जी की सेवा में ही मस्त रहते हैं, पर भुक्ति मुक्ति दोनों को देने वाले हैं। भक्ति भी देते हैं राम जी की, और संसार की भुक्ति माने सुख सुविधा, संसार का भोग सामग्री भी राम हनुमान जी की कृपा से मिलती है। क्योंकि जैसे सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, ये सब राम जी हनुमान जी की कृपा से ही राम जी से मिले हैं। इन दोनों को और केवल राम जी से ही नहीं मिला, इनको राजा भी बनाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जान। मंत्र विभीषण को दिया और विभीषण जी को लंकेश्वर भी बनाया हनुमान जी ने, और राम जी से भी मिलवाए। विभीषण जी जब गए तो सिफारिश करने वाले कौन थे? हनुमान जी ही तो थे। हनुमान जी न सिफारिश करते तो विभीषण राम जी से तक नहीं पहुंचने वाले थे, क्योंकि वानरों ने तो समझ लिया ये शत्रु पक्ष का कोई गुप्तचर हमारा रहस्य लेने आया। सुग्रीव ने तो स्पष्ट कह दिया कि इसको बांध के रखो, ये हमारा भेद लेने आया है, शत्रु पक्ष का है। सुग्रीव ने कहा क्षमा करना प्रभु, आप मनुष्यों के राजा हो पर मैं बानरों का राजा हूं। बंदरों का राजा बनना बहुत कठिन है, बंदर स्वभाव से ही चंचल होते हैं, बड़े नचकट होते हैं, बड़े उपद्रवी होते हैं। मैं ऐसे खतरनाक बानरों का राजा हूं, इसलिए मुझे सारे अनुभव है, सारे दाव पेच मुझे मालूम है। आप सीधे सरल हो, इसलिए ये राक्षसों की माया समझ में नहीं आती है। जानी न जाए निशाचर माया, भगवान ने कि क्या माया बचने आया है, मेरी समझ से तो इसको बांधा जाए। पर हनुमान जी के रुख को देख करके राम जी ने विभीषण को अपना लिया, इनकी सिफारिश कर। अच्छा मंत्र कौन सा दिया भाई? गुरु मंत्र देते हैं, हनुमान जी ने मंत्र कौन सा दिया था विभीषण को, जो गोस्वामी जी ने कहा है कि तुमरो मंत्र विभीषण माना। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, अष्टाक्षर मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दिया? मंत्र मंत्र शब्द से ही मंत्रणा बना है। देखो मंत्र तो दे रहे थे रावण को हनुमान जी महाराज, रावण को बहुत समझाया। हनुमान जी जब आए लंका में तो रावण को बहुत समझाया, पर 10 खोपड़ी वाला था उसकी समझ में नहीं आया। 10 सिर वाला था, अपने को महान पंडित मानता और था भी महान पंडित, इसमें कोई संदेह नहीं, परम विद्वान। उसने जो रचना की है तांडव स्तोत्र की, क्या अद्भुत स्तोत्र है हमारा, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, उसकी शब्दावली कितनी जबरदस्त है, और उस शब्दावली से पता चलता है रावण महान पंडित है, विद्वान है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो महान पंडित होते हैं पढ़े लिखे होते हैं वो जल्दी से किसी पर श्रद्धा करते नहीं, उसको अपने पांडित्य का थोड़ा गर्व रहता है, अभिमान भी होता है। इसलिए देखो जो पूर्ण विद्वान होगा उससे ज्यादा अभिमान नहीं होगा, और जो विद्वान है ही नहीं वो अभिमान करेगा कैसे भाई? जिसके पास माल होता है उसी पे अकड़ होती है, और खाली जेब वाले को किस बात की अकड़ होगी?
तो ज्ञानी पुरुष को अभिमान होता है, परंतु जो पूर्ण ज्ञानी होगा उसको नहीं होगा, अल्प ज्ञानी होगा। माने ज्यादा जितने लोग हैं उनमें वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है। तो एक शब्द है अनुंडोपी द्रुमायते, जंगल माने एक रेगिस्तान की भूमि थी, वहां कोई एक भी वृक्ष नहीं था। तो एक हमारे यहाँ अंडूका कहते हैं उसको, सूखा सा पतला सा एक वृक्ष खड़ा था। तो जब वृक्षों की बात आवे तो वही पहचाना जाता था कि हम हैं वृक्ष, देखो, क्योंकि पूरे रेगिस्तान में वृक्ष था ही नहीं कोई। तो जो एक वो जिसको कोई नहीं पूछता गया गुजरा, उसी को वृक्ष की श्रेणी में माना जाता था, ये वृक्ष खड़ा है देखो भाई, या कोई नहीं है वही वहां सब कुछ है। उसी प्रकार से जो थोड़ा सा जानकार है परंतु तो सब अज्ञानियों के बीच में हो तो वही समझदार माना जाएगा भाई, वही विद्वान माना जाएगा। तो परिपूर्ण जो ज्ञानी है वो अभिमानी नहीं होता, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जो वास्तविक विद्वान होता है वो स्वभावतः विनम्र हो जाता है। जिस वृक्ष में खूब फल होते हैं वो झुक जाता है, ये उसका स्वभाव है। ऐसी जो परम गुणी व्यक्ति होता है और गुण उसमें परिपूर्ण हो तो उसके व्यवहार में वाणी में विनम्रता होगी, ये उसकी पहचान है। हनुमंतलाल जी सकल गुण निधान है परंतु बड़े विनम्र है, इनका नाम ही हनुमान है। हनुमान का मतलब जिसने अपने अभिमान का सब प्रकार से हनन कर दिया हो वो हनुमान, किसी प्रकार का अभिमान इनके भीतर नहीं है। काम बड़े बड़े करते हैं जो कोई ना कर पाए वो हनुमान करके दिखाते हैं, पर कर्म का अभिमान बिल्कुल भी अपने पास नहीं रह देते। ये हनुमान जी की विशेष अभिमान मुक्त, क्योंकि सकल गुण निधान है, इसलिए परिपूर्ण ज्ञानी है, छोटे मोटे अल्प ज्ञानी नहीं, महापंडित है। रावण को समझाने का प्रयास किया पर वो 10 गोबड़ी वाला था, वो अपने को ही महापंडित समझता था, हम किसी की क्या सुनेंगे, इसलिए उसकी समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने सभा के बीच में रावण को मंत्र दिया, वो विभीषण जी ने पकड़ लिया, पर रावण को समझ में नहीं आया क्या। हनुमंतलाल जी ने कहा रावण से कि रावण, राम जी के चरण को अपने हृदय में धारण कर लो और लंका अचल राज तुम करो, रामचंद्र राम चरण पंकज उर धरहु, ये मंत्र है, राम चरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम करो। हनुमान जी शिवावतार है, शंकर जी के अंश से, शंकर स्वयं केसरी नंदन, वैसे तो शंकर सुवन केसरी नंदन है, पर एक संत कहते हैं बोले सुवन नहीं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है, बोले बाबा ही शिव के, शिव जी ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं राम जी की सेवा करने के लिए, इसलिए, और शिव जी का भक्त है रावण, इसलिए हनुमान जी गुरु बनने के नाते, उसके पूज्य होने के नाते, उसके इष्ट होने के नाते समझा रहे थे, मंत्र दे रहे थे कि दशानन तुम यदि लंकेश्वर बन के अचल राज्य करना चाहते हो, अखंड राज्य करना चाहते हो तो ये मंत्र सुन लो, राम चरण पंकज उर धरहु, अपने हृदय में राम जी के चरण कमल को स्थापित कर लो, उसके बाद लंका अचल राज तुम करहु, तुम्हारा राज्य अचल होगा, चलायमान नहीं होगा, खंडित राज्य नहीं होगा, पर अखंड राज्य पाने के लिए तुम्हें राम जी के चरणों को हृदय में धारण करना पड़ेगा। रावण ने नहीं माना, पर विभीषण जी ने सुन लिया ये मंत्र, बोले मंत्र तो काम का है भाई, लंका भी मिलेगी और राम जी भी मिलेंगे, दोनों मिल जाएंगे, भोग भी मिलेगा और योग भी, राम जी का भी दर्शन होगा, इसलिए तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो लंकेश्वर भय सब जग जाना।
केवल विभीषण जी को ही नहीं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, और राम मिलाय राजपद दीन्हा। विभीषण विभीषण को ही नहीं, सुग्रीव को भी, राम मिलाय राम जी से भी मिलाया और राजपद दीन्हा। किष्किंधा नरेश भी हनुमान जी ने सुग्रीव को बनाया, तो पद भी दिया और प्रभु भी दिए। तो पद भी और प्रभु भी दोनों को पाना चाहते हो। देखो संसार में ऐसा कोई नहीं है जो केवल भगवान को ही चाहते। जब तक संसार में संसार की इच्छाओं की पूर्ति तो सब करना चाहते हैं कि भोग भी खूब मिले, संसार सुख भी मिले और बाद में परमात्मा भी मिल जाए। दोनों की इच्छा होती है और दोनों शास्त्र भी कहते हैं, उभय लोक, इस लोक का भी सुख भोगो परलोक को भी बनाओ। वही बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि बहुत से लोग परलोक को मानते ही नहीं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये चारुवाक जी हैं, उनका सिद्धांत है, नास्तिक सिद्धांत इसको कहते हैं। वैसे चारुवाक जी कहते हैं, जब तक जियो मौज से जियो, घर में पैसा ना हो तो उधार लेकर के घी पियो, क्योंकि जब मर के चले जाएंगे शरीर भस्म हो जाएगा, फिर कौन कहां जाएगा, किसने देखा। इसलिए यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जिंदा हो सुख से रहो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण माने उधार, उधार लेकर के घी पियो, क्योंकि भस्मी भूतस्य देहस्य, मर के जब शरीर भस्म हो जाएगा तो पुनरागमनम कुतः, फिर कौन कहां जाएगा, कब आएगा कहां। इसलिए उसको छोड़ो, जब तक जे मौज से करो, ये उनका सिद्धांत है। तो वो परलोक को मानते ही नहीं, परंतु जो परलोक को मानते हैं वो कहते हैं, भैया मरते समय भगवान के धाम में जाएं या स्वर्ग में जाएं, नरक में न चले जाएं। तो उनको परलोक का डर लगता है। तो बुद्धिमान कौन है, जो दोनों लोकों को सुधार ले, यहां भी सुख से रहे और वहां पर भी सुख से जावे। अब जिंदगी भर यहां दुख के कष्ट, तमाम कष्ट भोगे, उसके बाद स्वर्ग मिल गया, तो जो देखने वाले हैं वो तो कहेंगे, जिंदगी भर तो बेचारा बहुत कष्ट पाया, भगवान जाने स्वर्ग में गया होगा कि नहीं गया होगा, किसने देखा। स्वर्ग तो श्रद्धा के ऊपर, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करके हम मान रहे हैं, प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं पड़ रहा ना। दादाजी बहुत, जो बुजुर्ग लोग चले जाते हैं उनके नाम के आगे प्राय स्वर्गीय लिख दिया जाता है, स्वर्गवासी, चाहे वो कितना भी महादुष्ट कोई रहा हो, महापापी रहा हो, पर आज तक किसी के नाम में नरकवासी तो नहीं देखा हुआ आपने। जबकि सब जानते हैं कि महापापी नरक में ही गया होगा, फिर भी उसके नाम में आज तक कोई नरकवासी नहीं लिखेगा। ये श्रद्धा का विषय है। कहीं का भी वासी लिख, कोई साकेतवासी लिख देता है, कोई वैकुंठवासी लिख देता है, कोई गोलोकवासी लिख देता है, तो आप श्रद्धा से कुछ भी लिख लो, पर ये परोक्ष विषय है। आप मोबाइल से भी नहीं पूछ सकते, दादाजी कौन से लोक में गए हो जरा बता दो, तो हम लिखवा दें आपके नाम में, तो कोई बता भी नहीं, बताने वाला भी नहीं है। पर जो संसार है ये तो प्रत्यक्ष है, जो यहां सुख से रहता हुआ दिखाई पड़े तो मान लेंगे वो वहां भी स्वर्ग से, स्वर्ग में भी सुख से रहा होगा। दोनों लोक, हमारे ऋषियों ने बार बार कहा, दोनों लोकों को बनाओ। जो इस लोक को नहीं बना पाया वो ऊपर जाके भी क्या सुधार लेगा, यहां पर भी तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सत्व गुण दिखाई पड़ना चाहिए, तुम्हारे सात्विक गुण दिखाई पड़ते हैं। कीर्ति यस्य सजीवती, ऐसा कार्य करके जाओ कि जब तक जाने के बाद में भी लोग वर्षों तक तुम्हें स्मरण करके रखें, तुम्हारा स्मरण करते रहे, नाम श्रद्धा से लेते रहे। बोलो जय सिया राम। मरते समय व्यक्ति यद प्रसन्न मुद्रा में गया है तो समझ लो पुण्यात्मा है, और मरते समय उसकी आंखें फटी और भयभीत और मलमूत्र त्याग कर, बहुत से लोगों का शरीर छूटता है तो समझ लो भयभीत होके गया है, तो गड़बड़ है। ये पहचान है व्यक्ति की कि ये ऊर्ध्वगामी है कि अधोगामी है,
ऊपर के लोकों में गया है कि नीचे, ये उसकी मुखमंडल की आभा से पता चल जाता है। क्योंकि जो भगवान के पार्षद जब लेने आएंगे और भगवान के पार्षदों का दिव्य दर्शन करके जो शरीर त्यागेगा उसका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ होगा, उसमें भय और आतंक नहीं होगा। और जो काले काले यमदूतों के सामने जिसने शरीर जिसका शरीर निकाला गया हो तो डर के मारे उसका हाल बिगड़ ही जाएगा। तो दोनों लोग सुधारने के लिए पहले इस लोक को सुधारो, पर इस लोक को सुधारने में इतने मत उलझे रहो कि परलोक को बिल्कुल ही भूल जाओ। आपको एक दिन इस संसार से विदा होना है, इस बात का भी विवेक पूरा रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन चाहे लगा लो सेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। एक बहुत बढ़िया भजन है, चलो आपको सुनाई देते हैं। और ये भजन एक लाल सिंह जी हुए हैं, उनका उनका ये रचना है, उसमें अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, परंतु भजन बहुत अच्छा है और उसके भाव भी बहुत अच्छे हैं। आइए मेरे साथ आप भी मिलकर के गाइए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई जगत में कोई न परमानेंट, जगत में हर तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट हो भैया, जगत है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, ऐसी संसार में कुछ जन्म ले रहे हैं कुछ जा रहे हैं। अरे आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अरे अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय तेरे कंगूठे, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जुमने जुमने जाते हैं, टेंट लगा लेते हैं और जहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ टेंट उखाड़ा चल दिए। उसी प्रकार ये संसार है, आवागमन लगा रहे। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली कैंट। अरे हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली कैंट ओ भैया, घूमो दिल्ली। अरे मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। फिर धोती पहनो या पैंट, जगत
राष्ट्रपति जाने वाले सब हैं, परमानेंट कोई नहीं है। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो भैया, अरे राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो अरे काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, अरे लेनी हो या जैन से जगत में कोई न कर संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ भैया ये सच्ची गवर्नमेंट, अरे साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ भैया दफ्तर से लाल सिंह कहे, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे, अरे मत हो ना अपसेट जगत में कोई न पर जाना तो पड़ेगा। तो और यात्रा जितनी लंबी होती है ना उसकी तैयारी उतनी ज्यादा होती है। आपको आसपास के शहर में जाना है तो उठाओ गाड़ी चल दो, बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। परंतु यदि दूसरे देश में जाना है, हम जानते हैं कैसे कैसे आए हैं, अनुभव हुआ है, महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है भाई। मई से चर्चा चालू भाई, तब अगस्त में आ पाए। अब इतना उसके लिए जितनी लंबी यात्रा, पूरा दिन रात का अंतर हो गया भाई। तो लंबी यात्रा है तो लंबी तैयारी भी करनी पड़ती है। पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा लगना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, बड़े प्रपंच होते हैं। उसी प्रकार एक यात्रा ऐसी है जो एक ना एक दिन सबको करनी है, और यात्रा तो ऐसी है प्रपंच लगे तो मत जाओ, आपकी मर्जी है। आप यात्री हैं,
जाना चाहो तो जाओ, प्रपंच लगे तो छोड़ो, पर एक यात्रा ऐसी है जो करनी ही पड़ेगी, तुम्हारी इच्छा वहां नहीं चलेगी। और वही यात्रा सबसे बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत दूरी की यात्रा है, और सबसे लंबी जो दूरी की यात्रा है उसी की तैयारी में हम लोग निश्चिंत है, कोई तैयारी किसी की नहीं है। और अचानक जब यात्रा की बारी आती है तब घबरा जाते हैं, अरे राम राम, अभी तो ये नहीं किया वो नहीं किया, इतनी लंबी यात्रा पर जाएंगे न जाने वहां क्या व्यवस्था मिलेगी, क्या सुविधा मिलेगी। भाई यात्रा लंबी हो और पता भी कुछ ना हो तो घबराहट होती है। भाई आप विदेश में जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि दूसरे लोग ना गए हो, आप पहली बार जा रहे हो तो किसी से पूछ लो, भैया आप क्या क्या समस्या आती है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, भाषा कौन सी है, मौसम कैसा है, सब जानकारी मिल जाएगी, आप चले जाओ, जानकारी तो मिल गई। पर वो यात्रा ऐसी है कि जो उस यात्रा पर गए सो गए, लौट के कोई आए नहीं है जिससे पूछ लिया जाए कि भैया तुम्हारा अनुभव कैसा रहा जरा बता दो, कोई बताने वाला नहीं। इसलिए उस यात्रा की तैयारी हर व्यक्ति को सदैव करके रखनी चाहिए। और यदि आपकी यात्रा की पूरी तैयारी है तो चाहे जिस दिन चलना पड़े सूटकेस लगा रखा है, फटाक से उठा के चल दिए, कोई तैयारी नहीं होगी तो घबरा जाओगे। इसलिए आप यहां रहते होंगे भी वहां जाने की तैयारी करके रखो। बोलो जय सिया राम। एक देश ऐसा था कि उस देश का कानून है, संविधान ऐसा था कि राजा को केवल 5 साल के लिए चुना जाता था, 5 साल के बाद राज्य पूरा हो गया तो राजा को नदी पार घनघोर जंगल में छोड़ दिया जाता था और दूसरे व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था। और कोई राजा बनने को तैयार न हो तो ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रिमंडल निकलता था, जो सबसे पहले मिल जाए उसी को पकड़ के राजा बना दिया जाता था, उसकी मर्जी हो या न हो उसको राजा बनना ही पड़ेगा। और 5 साल के बाद फिर जंगल में उसको छोड़ करके दूसरा राजा पकड़ा जाता था। तो कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं होता था क्योंकि वो जानता था 5 साल के बाद जंगल में शेर भालुओं का शिकार बनना पड़ेगा। अब एक राजा का राज्य पूरा हो गया, उस राजा को पकड़ के मंत्रियों ने जंगल में छोड़ दिया। अब दूसरे राजा की खोज में निकले, उसका तो समय पूरा हो गया, दूसरा राजा किसे बनाए, जब कोई नहीं मिला तो ब्रह्म मुहूर्त में निकल पड़े खोजने के लिए। तो एक बाबा जी चले आ रहे थे, जोगी बाबा, तो उसको पकड़ लिया, बाबा आपको राजा बनना पड़ेगा। महात्मा बोले हम तो फकीर है, बाबा लोग हैं, घर परिवार छोड़ के जंगल में घूम रहे हैं, हम राजा बाजा नहीं बनेंगे। बोले नहीं महाराज, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, हमारे देश का विधान ऐसा है, हमारे देश के संविधान में जो सबसे पहले मिलता है उसको राजा बनना पड़ता है, आप मिले हो बाबा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, राजा तो तुम्हें बनना पड़ेगा। बाबा जी बोले तो इतना परहेज भी नहीं है, कोई बात नहीं बन जाएंगे। तो बोले महाराज पहले एक नियम और सुन लो। क्या? बोले राजा तो आप बन जाओगे, 5 साल के बाद इस जंगल में आपको छोड़ दिया जाएगा। अरे ये जंगल में तो बहुत शेर भालू घूम रहे। बोले महाराज कुछ भी हो, मरो या जियो वो तुम जानो, पर 5 साल के बाद ये नियम है कि राजा बनने के बाद राज्य का काल पूरा होने के बाद छोड़ना पड़ेगा। बोले तो अच्छा कोई बात नहीं, फंस तो गए हैं तो चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बाबा जी तो हम तो अपना अंतिम संस्कार पहले ही करके बैठे हैं, महात्मा लोग जो बनते ना वो अपना संस्कार पहले ही कर देते हैं कि आप तो स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, जब तक रहे तब तक रहे, तो मरने से महात्मा लोग डरते नहीं। तो बाबा जी बोले हमें मरने का तो भय है नहीं, चलो 5 साल तक कम से कम राजा बन के देख लेते। और राज्याभिषेक बाबा जी का हो गया, बाबा राजा बन गए। राजा बनते ही महात्मा ने कहा देखो अब हम राजा हैं, हमारी आज्ञा का तुम लोग पालन करोगे? बोले जो आज्ञा महाराज, आप हमारे मालिक हो, 5 साल के लिए जो हुक्म दोगे उसका पालन होगा। तो बाबा जी बोले हमारा आदेश है कि तुरंत उस नदी पार के जंगल को काट दिया जाए, पूरा जंगल साफ कर दो। अब राजा का आदेश, सेना टूट पड़ी महाराज, पूरा जंगल साफ, महाराज जंगल साफ हो गया। और बताइए, अच्छा जंगल साफ हो गया तो अब हमारा आदेश है बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाई जाएं, बढ़िया सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएं, भव्य भवन बनाए जाएं,
उद्योगपतियों को भूमि आवंटन की जाए ताकि बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री लगाएं, लोगों को उद्योग मिले, काम मिले। जो आ गया बोले बिजली पानी और सड़क में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जो आ गया महाराज, बाबा जी तो जो आदेश देते वैसा ही पालन होता, लोग लग जाते। और 5 साल में तो महाराज काया पलट कर दी। और जैसे 5 साल पूरे हुए, बाबा ने अपना कमंडल उठाया और चल पड़े। बोले बोलो अब किधर चलें, उधर जाएं कि इधर रहें। बोले महाराज नियम तो उधर जाने का है, परंतु आप डरिए मत, यहां से ज्यादा जलवा आपने उधर कर दिया है। अब तो आपके लिए तो दोनों हाथों में लट्टू हैं, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, आपके लिए अब सजा नहीं मजा ही मजा है। उन राजाओं को सजा मिलती थी जो मौज मस्ती तो 5 साल करते थे, उधर जाने की तैयारी कुछ नहीं करते थे। और आपने तो सिंहासन पर बैठते ही उधर जाने की तैयारी पहले से ही चालू कर दी, इसलिए आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। इसलिए जोगी बाबा को दूसरी बार भी मौका मिल गया। बोलो जय सियाराम। क्योंकि उसने पद पर बैठते ही प्रभाव अपना दिखा करके आगे की तैयारी चालू कर दी पहले से। और जो आते थे वो मौज मस्ती में 5 साल पूरा निकाल लेते थे, और जब उधर जंगल में भेजा जाता था तब घबराते थे, रोते थे, चिल्लाते थे। उसी प्रकार आप इस संसार में आए हो तो परमानेंट नहीं आए हो, आपको एक दिन यहां से छोड़ के जाना भी पड़ेगा, ये भूलना नहीं चाहिए। तो जिधर जाना पड़ेगा उधर की तैयारी यहां से पहले से करो भाई। और जो पहले से तैयारी करके रखते हैं शास्त्र के अनुसार, शास्त्र सम्मत जो परलोक की यात्रा की पूर्ण तैयारी जिनके पास होती है, वो यहां भी मौज से रहते हैं, वहां जाने के लिए भी सदैव तैयार रहते हैं। बोलो जय सियाराम। घबराते वो है जिनकी तैयारी कुछ नहीं होती, और जो पहले तैयार होकर के बैठे हैं वो तो आनंद के साथ जाते हैं। कोई यात्रा में बाधा ना हो, टिकट वगैरह सब कंफर्म हो, तो यात्री को यात्रा करने का आनंद होता है कि घूमने जा रहे हैं भाई। डर कब होता है? जब तैयारी नहीं होती, टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग में है, भगवान जाने सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सब डर के कारण बनते हैं। उसी प्रकार हम और आप हमेशा तैयार रहें तो आपको कभी भी, जब तक यहां रहोगे मौज से रहो, आनंद के साथ रहो, जिधर भेज देंगे जाए भी दे राखे राम ताहि भी दे रही है, आनंद के साथ रही। तो हनुमंत लाल जी महाराज की विशेषता है, वो सकल गुण निधान है, सदगुरु हैं, इसलिए इनका आश्रय जो लेता है उसे वो लोक परलोक दोनों में सुरक्षित कर देते हैं। सुग्रीव को सिर्फ परलोक ही नहीं दिया, भगवान को ही नहीं दिया, पद भी दिया, किष्किंधा का राजा बनाया। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना, और तुम उपकार सुग्रीव ही कीना है तो राम मिलाए राजपद दीना। राजपद भी देते हैं, राम पद भी देते हैं। एक बार राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया अयोध्या में 14 साल के बाद, तो हनुमान जी की ओर देख करके राम जी ने कहा, हनुमान तुम सचमुच महान हो। और जब राम जी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, राम जास जस आप बखाना, अपने मुख से राम जी हनुमान जी के यश का गान करते हैं, तो हनुमान जी बड़े संकोच में सहम जाते हैं, बड़े संकोच में डूब जाते हैं कि प्रभु मेरी महिमा गा रहे हैं, मेरे गुणों का वखान कर रहे हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति और ये सज्जनता का परिचय है। अपना गुण सुन करके जो संकोच में पड़ जाए ये सज्जनता का गुण लक्षण है, और अपनी तारीफ सुन करके जो तन के खड़ा हो जाए, अहंकार से भर जाए, ये दुर्जन की पहचान है। तो राम जी कहते हैं, हनुमान तुम सचमुच महान हो। अब हनुमान जी हाथ जोड़ते बोले, आज इतनी तारीफ क्यों, किस बात से आपने हमारी महानता देखी? बोले हनुमान देखो, विभीषण को तुमने पद दिया, मुझसे भी मिलाया, लंकेश्वर बनाया, सुग्रीव को भी किष्किंधा नरेश बनाया, मुझसे मिलाया, आज मेरे को भी तुम्हारे कारण जानकी जी प्राप्त हुई, और आज मैं 14 वर्ष के बाद वापस अयोध्या में आकर के अवधेश बन गया, अयोध्या का नरेश बन गया। हम तीनों को पद पर बैठाने वाले तुम हो,
पर तुमने अपने लिए कभी कोई पद नहीं मांगा। हम तुम्हें कोई पद नहीं दे पाए, क्या दूं कुछ समझ में नहीं आता। हनुमान जी समझ गए, तुरंत हाथ जोड़ के बोले, सरकार क्षमा करना, पद के मामले में मैं तो और भी लोभी हूं। कैसे? बोले, सरकार सुग्रीव को सिर्फ किष्किंधा का पद मिला, एक पद। विभीषण को सिर्फ लंका का पद मिला, लंकेश्वर, एक पद। आप भी बैठे हो तो अयोध्या के पद पर बैठे हो, आपको भी एक ही पद मिला है। परंतु इतना कहकर के हनुमंत लाल जी ने तुरंत राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, सरकार मुझे तो ये दोनों पद चाहिए और मुझे किसी पद की अभिलाषा स्वप्न में भी नहीं है। बोलो जय सिया राम, कि मुझे सिर्फ आपके ये दोनों पादारविंद, पद माने पैर, मैं तो केवल इन दोनों पदों को अपने हृदय से लगा के रखना चाहता हूं और दूसरे किसी भी पद की मेरे मन में अभिलाषा नहीं। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, कंठ से लगा लिया, और आज वह विनम्रता, वह निष्कामता, हनुमान जी की सेवा में निष्कामता है, कोई लोभ लालच नहीं है, ये मिलेगा कि वो मिलेगा। हनुमान जी तो स्वयं देने वाले हैं, संकट मोचन नाम तुम्हारो, दूसरे का संकट दूर करने वाले हैं और स्वयं कोई अभिलाषा नहीं रखते। उसका परिणाम यह है कि आज विश्व में ऐसा कोई राम मंदिर नहीं बता सकते जिसमें हनुमान जी ना बैठे हो, और ऐसे हजारों हनुमान जी के मंदिर हैं जिसमें राम जी नजर नहीं आएंगे। राम जी के बिना हनुमान मंदिर हो सकता है, पर हनुमान जी के बिना राम मंदिर आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी के दरबार में कोई जा ही नहीं सकता। दरवाजे के द्वारपाल बन करके राम जी से मिलाने वाले तो हनुमान जी है। इसलिए अच्छा प्रश्न उठता है, जब राम दरबार हनुमान जी के बिना नहीं होता तो हनुमान जी का मंदिर राम जी के बिना क्यों होता है? बोलो जय सिया राम। बोले उसका कारण यह है, आपने देखे होंगे बहुत से हनुमान मंदिर हैं जिसमें आपको राम दरबार नहीं मिलेगा। बोले उसका कारण यह है कि राम जी को अलग से बैठाने की जरूरत ही नहीं हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि जासु हृदय आकार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदयाकार में राम जी सदैव बसते हैं, और केवल राम जी नहीं बसते, गोस्वामी जी ने तो हनुमान चालीसा के अंत में कहा कि हनुमान जी आप ही मेरे हृदय में आ जाओ, क्योंकि आप जब हृदय में आओगे तो आपके हृदय में बैठे होंगे सीताराम जी, लक्ष्मण लखन लाल जी के साथ अपने आप मेरे हृदय में आ जाएंगे। पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भू। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी महाराज के हृदय में पूरा दरबार विराजता है, तो हनुमान जी जहां विराजते हैं वहां राम जी को अलग से विराजमान करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हृदय में पहले ही बैठे हुए हैं। इसलिए महावीर बिन भऊ हनुमान। देखो राम जी अनंतानंद गुण गणों के भंडार और दिव्य बल, बल और उस सब भगवान ही तो सबको बांटते हैं भाई। तो जो जहां से पूरा खजाना बांटा जाता है वो सारे खजाने के साथ राम जी पहले ही बैठे हैं हृदय में, तो उसके जीवन में क्या किस बात की कमी होगी। अच्छा हनुमान जी से राम जी की जो भेंट हुई, वो प्रथम भेंट कहां हुई? किष्किंधा में। जानकी जी का अन्वेषण करते हुए राम जी को हनुमान जी मिले। तो आइए हम भी उधर थोड़ा सा मन लेकर के चले आज। आगे चले बहु रघुराया, आगे चले बहु रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निराया, ऋषिमुख पर्वत निराया,
बल सीवा आवत दे अतुल बल सीवा आवत दे अतुल बल सीवा आवत दे अतुल बल सीवा अतुल बल सीवा अतुलनीय बल के भंडार हैं और वे राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठते हैं। घर को कहते हैं धाम, आप किस धाम के वासी हैं? तो अतुलित बल धामम, हनुमान जी का हृदय क्या है? राम जी का धाम है, निवास स्थान है। राम जी अतुल बल शिवा, उनकी बल की कोई सीमा नहीं है और वे अतुलनीय बल के भंडार प्रभु हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए अतुलित बल धामम, भगवान का धाम है हनुमान जी का हृदय स्थान। तो ध्यान दें, जब राम जी जानकी जी का अन्वेषण खोज करते हुए आगे बढ़े तो ऋषिमुख पर्वत नियर आए, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां पर तहां रहा सचिव सहित सुग्रीव, सचिवों के साथ बानरों के साथ सुग्रीव निवास करते हैं ऋषिमुख पर्वत पर। उनकी दृष्टि राम जी पर पड़ी तो जो राम जी का दर्शन करके भक्त तो भाव से भरे जाते हैं, पर सुग्रीव भय से भर गए, डर गए सुग्रीव, और राम जी को देख करके भ्रम हो गया। तो अति सभीत कह सुन हनुमाना, अत्यंत भयभीत होकर के हनुमान जी से कहा, हनुमान मुझे तो लगता है पटे वाले होए मन मेला, भागो तुरंत तजो यह सैला, मुझे लगता है मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, बाली ने मुझे पकड़वाने के लिए कोई महावीर भेजे हैं, दो एक नहीं दो दो है। सुग्रीव रामचरित मानस में सबसे भगोड़ा पात्र है, जिंदगी भर भागता रहा, और ऐसे भगोड़े पात्र सुग्रीव को राम जी ने अपना सखा बना के हृदय से लगा लिया। बोलो जय सिया राम। जबकि बाली इसका भाई जो है वो बड़ा बलशाली है, रावण जैसे दिग्गज को उसने कांख में दबा करके 6 महीने तक रखा, इसी से सोच लीजिए बाली कितना महाबली होगा। पर राम जी ने इतने बड़े महाबली बाली को अपना मित्र नहीं बनाया, जो भागता फिरा जिंदगी भर उस भगोड़े सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया। क्यों? जरूरत तो बाली की थी, यदि बाली को मित्र बनाया होता तो बाली एक संदेशा भेजता लंकेश्वर के पास कि राम जी की जानकी जी को तुरंत ला के अभी दो, नहीं तो फिर दोबारा दूसरी कांख में 6 महीने तक दबा के रखूंगा। घबरा करके रावण अपने आप ही जानकी जी को दे जाता, परंतु भगवान अभिमान से मित्रता नहीं करते, अभिमान के साथ भगवान की पटरी नहीं बैठती। अभिमान मुक्त जिसका हृदय होगा वो कमजोर भी हो तो राम जी उसको हृदय से लगा लेते हैं। सुग्रीव भागा, सुग्रीव का चरित्र प्रसिद्ध है। सुग्रीव ने अपने मुख से कहा, जब राम जी ने पूछा भाई तुम दोनों में क्या गड़बड़ हो गई, तो सुग्रीव ने बताया कि महाराज एक मयसुत नाम का एक बड़ा भारी असुर था मायावी, वो उसने बाली को ललकारा, बाली मेरा भाई बहुत बलवान था, वो सहन नहीं कर पाया, उसको मारने के लिए भागा, तो बाली उसको मारने भागा तो मैं पुनः गए उस बंधु संग लाका, मैं भी उसके पीछे पीछे भाग लिया। पर भागते भागते एक गुफा मिली, उसमें वो राक्षस घुस गया। गिरिवर गुफा देखते जाई तब बाली मोए कहा बुझाई, जब गुफा में वो घुस गया राक्षस तो बाली ने मुझे रोक दिया, सुनो तुम्हें दरवाजे पे यही रहना और 15 दिन तक यदि मैं गुफा से बाहर ना निकलूं तो तुम लौट जाना, परखे मोहे एक पखवारा, और नहीं आ रहे हो तो जाने हो मारा, यदि मैं नहीं आऊं तो समझ लो मैं मारा गया। सुग्रीव कहते हैं मैं ये 15 दिन की जगह 1 महीने तक बैठा रहा, मास दिवस में रहा खरारी और निसरी रुधिर धारत है भारी। 1 महीने तक मैंने वो दरवाजे पर बाली के निकलने की प्रतीक्षा करी, बाली नहीं लौटा, परंतु 1 महीने के बाद भयंकर रक्त का फव्वारा निकला भीतर से,
मैं घबरा गया, खून देख करके लगता है मेरा भाई मारा गया, राक्षस ने मार डाला। तो मैं तुरंत उस गुफा के दरवाजे पर शिला देह तह चले ऊपर आई, बड़ी भारी शिला मैंने दरवाजे पर रख दी, कहीं वो दुष्ट मुझे आगे ना मारे, इसलिए मैंने डर के मारे शिला दरवाजे पर रख दी और मैं वहां से भाग लिया घर की तरफ। और फिर जब मैं घर पे आया तो मंत्रियों ने जब देखा कि बाली मारा गया और कोई चारा नहीं, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। मंत्री ने बिन देखा बिन उसाई तो दीने वो मोए राज बनियाई, मेरी इच्छा नहीं थी राजा बनने की, बनियाई माने जबरदस्ती, जबरदस्ती मेरे को पकड़ के किष्किंधा का राजा बना दिया। अब नहीं माने तो मुझे बनना पड़ा। फिर क्या हुआ? बोले महाराज जब बाली आया उसने मुझे सिंहासन पर बैठे देखा तो मेरी वो पिटाई करी, रिपुसन मोए मारे से अति भारी और हर लीने सर्वस्व और नारी, मुझे इतना मारा, मार मार करके मेरी हालत खराब कर दी, मेरा सर्वस्व छीन लिया, मेरी पत्नी को भी छीन लिया, जैसे तैसे प्राण बचा के मैं भागा और ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन मोह कर फिरा बेहाला, मैं बेहाल होकर के पूरे दुनिया में भागता फिरा बाली से प्राण बचाने के लिए। मुझे पता चला ऋषिमुख पर्वत पर कुछ महात्मा लोग भजन कर रहे थे, बाली ने राक्षस को मार करके ऐसा फेंका कि वो महात्माओं के उस आश्रम में जाके गिरा, महात्माओं ने क्रोधित होकर शाप दे दिया, बाली आज के बाद जब भी तू ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो तेरे सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, तू मारा जाएगा, यहां सांप बस आवत नहीं। सुग्रीव ने कहा महाराज जब से उसको सांप लगाए तब से वो यहाँ नहीं आता, तो मैंने सोचा ये जगह मेरे लिए बहुत सुरक्षित रहेगी, बाली कभी आएगा नहीं तो आनंद से यही समय काट लेंगे, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये पूरी कहानी सुनाई तो लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आई कि कैसा भाई है, कैसा विचित्र भगोड़ा, इसे तो मित्रता करनी ही नहीं चाहिए, ये मित्र बनाने लायक ही नहीं। राम जी बोले क्यों? बोले देखो अरे ये बाली अपने भाई के साथ भाग के जब गया और गुफा में दोनों घुस गए, 15 दिन की जगह 1 महीने रहा होगा, जब कह रहा है तो रहा ही होगा, तो जब रक्त निकला तो ये भाई कैसा है जो भाई के रक्त को देखकर इसका खून नहीं खोला, ये तो वो भाई का ही रक्त समझ बैठा है, मान के चलो इसे भ्रम हो गया, तो इसको तो उस राक्षस को मारना चाहिए, इसने मेरे भाई की हत्या की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भाई का खून देख करके भी भाई का खून नहीं खोला तो ये कैसा भाई है, और जो अपने सगे भाई के प्रति इसका खून नहीं खोल रहा तो अपने मित्र का ये साथ क्या निभाएगा, इसलिए ये मित्र बनाने योग्य नहीं। खैर आया तो फिर बोला कि मेरे को जबरदस्ती राजा बना दिया, जबरदस्ती कोई राजा बना सकता है, परंतु जो सत्ता लोलुप लोग होते हैं वो यही कहते हैं भाई हमारी इच्छा तो नहीं है, आप लोग कहते हो तो ठीक है, मन में तो उन्हीं की इच्छा होती है, यदि कोई जबरदस्ती राजा बना देता तो भरत को राजा क्यों नहीं बना दिया, भरत जी के पक्ष में तो सभी आ गए थे, राम जी तो 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, हैं? पूरा राज्य दशरथ जी ने तो वरदान में दे ही दिया था भरत को, पूरा मंत्रिमंडल दशरथ जी का वचन, माताओं की स्वीकृति पूरा, और अपनी माँ कैकेयी ने तो पूरा प्रपंच ही भरत जी को राज्य देने के लिए रचा था अयोध्या में, पर सब कुछ होने के बाद भी भरत जी के मन में सत्ता लोलुपता नहीं थी, इसलिए सबने कोशिश करी, गुरु जी ने भी कहा, वशिष्ठ जी ने कहा भरत जो होना था हो गया, अब तुम सत्ता को संभालो, पर भरत जी ने सत्ता को स्वीकार नहीं करी, क्योंकि ये उनके मन में वैराग्य था, उनके मन में राम जी के प्रति निष्ठा थी, उनके भीतर सत्ता की लोलुपता नहीं थी, इसलिए उन्होंने एन केन प्रकारेण राम जी को ही सत्ता पर आसीन किया, सिंहासन पर बैठाया, और जब तक राम जी नहीं आए तब तक उनकी पादुका को बैठा करके राम राज्य की स्थापना करी। ये होता है सच्चे त्यागी का प्रभाव। और ये कह रहे क्या करें, मंत्रियों ने जबरदस्ती हमको बैठा दिया, और अब इसके परंतु इसकी भाग में थोड़ी सुधार है, पहले जब बाली मारा और बाली के मरने का भ्रम होने पर जब ये भागा तो घर की तरफ भागा, और आज घर में जब पिटाए वही बाली के द्वारा, तो ये घर छोड़ करके वहां से ऋषिमुख पर्वत आश्रम की ओर भागा,
और फिर आश्रम में जब आया और राम जी को आज आते हुए देखा तो इसको डर लगा कि बाली तो नहीं आ सकता, तो बाली ने मुझे पकड़वाने के लिए महावीरों को भेजा है कि पकड़ के मेरे पास लाओ। तो पठरे बाल होए मन मेला भागो तुरंत तजो यह सहला। अब मैं यहां से भी भागता हूं नहीं तो बाली मुझे पकड़ के मार डालेगा, परंतु हनुमान जी का साथ मिल गया इसलिए इसकी भाग में ब्रेक लग गया, रोक लगे, नहीं तो भागता फिरता जिंदगी भर। इसलिए जब तक किसी सदगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, जब तक किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक जीवन में ये भागना हमारा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अनंत काल से भगवान से बिछड़े हुए हम जीव भटकते फिर रहे इस भवाटवी में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चतरे शयनम, अनंत जन्म ले चुके हैं, अनंत बार मर चुके हैं, और ये हमारी भागा दौड़ी जो भवाटवी में भव में, भव माने संसार, संसार में हम जो भागते फिर रहे हैं, ये भाग दौड़ कब समाप्त होगी? जब सच्चे सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी मिले तब सुग्रीव का भागना बंद होगा, नहीं तो यहां से भी भागने वाला था। भागो तुरंत तजो या सहला, यद सुग्रीव की तरह हमारी भी भाग में सुधार हो जाए। देखो सुग्रीव पहले पिट करके घर की तरफ भागा, फिर घर में पिटा तो आश्रम की तरफ भागा, फिर आश्रम से भागने की भूमिका बनाई तो राम जी के चरणों में आया। ऐसे ही हमारी भाग हो, पहले हम घर की तरफ भी भागते हैं, घर से फिर संतों की तरफ आश्रमों की तरफ भागे, फिर आश्रम में यदि भाग के जाएंगे तो आश्रम वासी अपने आप भगवान के चरणों तक आपको पहुंचा देंगे। प्रश्न उठता है हनुमंत लाल जी तो सकल गुण निधान है, फिर सुग्रीव के दास कैसे बन गए? हनुमान जी स्वयं वानराणाम भीषम है, भाई राजा तो सुग्रीव है, हनुमान जी तो सचिव बन के सेवा में है, तो जो महाबली होता है वो तो राजा बनता है, वो सचिव कैसे बन गए हनुमान जी? उसका एक कारण है, हनुमंत लाल जी महाराज सकल गुण निधान है और बचपन से ही राम जी के अनन्य उपासक अनन्य भक्त थे, तो पर नटखट बहुत थे, उत्पात मचाते थे, इतने बली थे कि कोई महात्मा अपने भजन कर रहा हो पता चला उसके घर कोई झोपड़ी कोई उठा करके आकाश में ले जाके और पहाड़ पर रखे आते थे। बाबा जी भीतर झोंपड़ी में भजन कर रहे हैं, जब बाहर निकले तो पता चला पहाड़ के ऊपर खड़े, तो डर जाते थे भगवान यहाँ कैसे आ गए, पता चला ये हनुमान जी की करामात है। जब इनके इन उपद्रवों को देखा तो महात्माओं ने क्रोधित होकर शाप भी दे दिया, जाओ तुम अपना बल भूल जाओगे, तुम्हें कितना बल है तुमको याद ही नहीं रहेगा। तब हनुमान जी को ये शाप लगा, इसलिए उनको पता नहीं रहता था हम कितने बलवान हैं, जब कोई बल की याद दिलावे तब उनको पता चलता था हम इतने बलवान हैं। बोलो जय सिया राम। तो एक दिन माता अंजनी ने बुलाया, बेटा हनुमान तुम लोग तुम उपद्रव बहुत मचाते हो, महात्माओं को परेशान करते हो, पढ़ते लिखते कुछ नहीं, जाओ पढ़ाई करो। हनुमान जी बोले माँ मुझे कौन पढ़ाएगा, कौन से स्कूल में जाऊं बताओ। माँ अंजनी ने कहा बेटा विद्या में परम विद्वान भगवान सूर्य नारायण है, सूर्य के समान विद्वान कोई नहीं, भास्कर भुवन भास्कर के पास जाओ वो ही तुम्हें पढ़ाएंगे, जो आज्ञा माता जी। मातृभक्त हनुमंत लाल जी ने माँ की आज्ञा को स्वीकार किया और एक छलांग मारी सीधे सूर्य भगवान के पास। सूर्य भगवान तो देखते ही घबरा गए कि जब छोटा सा ये बच्चा था तब इसने हमको ही रसगुल्ला समझ करके मुंह में धर लिया, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन ही लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी जब छोटे से बच्चे थे तो इतने बलिष्ठ और इतने फुर्तीले थे कि सूर्य उदय हो रहा था, जब सूर्य का उदय होता है ना तो उसमें लालिमा होती है गोल गोल लालिमा, तो बड़ा रसीला है होता है ना रसगुल्ला गुलाब जामुन रस से भरा हुआ, तो बोले जी तो बड़ा सुंदर रसीला फल लगता है, भूख लगी है सवेरे सवेरे चलो इसी का आज बाल भोग किया जाए। तो बाल समय रवि भक्ष लियो, एक छलांग मारी और ला करके
मुंह में धर लिया। पूर्णिमा का समय था, पूरी तरह सूर्य भगवान अभी लालिमा में भरे थे, उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। राहु आया, इसने कहा कि मेरे को ग्रसना था, ये पहली कौन सा दूसरा राहु आ गया जिसने सूर्य को ग्रस लिया। अंधेरा हो गया चारों तरफ, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना तो अंधेरा हो जाता है, ये दूसरा कौन आ गया राहु भाई। अंत तो गत्वा, कथा लंबी है, और इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, ये कौन आ गया भाई राक्षस। उनको तो लगा किसी ने ग्रस लिया सूर्य को, तो उसके इंद्र के वज्र प्रहार, वज्र का प्रयोग थोड़ी पर हुआ, इसको संस्कृत में हनु कहते हैं, हनु। तो थोड़ी पर वज्र का प्रयोग किया इंद्र ने, तो थोड़ी थोड़ी झुक गई और मूर्छित होके हनुमंत लाल जी नीचे गिरे, तो सूर्य भगवान तो बच गए। परंतु पवन पुत्र हैं, पवन कुपित हो गए, मेरे पुत्र पर प्रहार किया, नाराज हो गए। अब हवा यदि रुक जाए, तुम्हारा जय सियाराम हो जाए, संसार की प्राण वायु खत्म हो जाए। तो पवन जब कुपित हो गए तो हाहाकार मच गया, तब सारे देवताओं ने पवन को प्रसन्न किया और हनुमान जी को सबने दिव्यास्त्रों का वरदान दिया कि हमारे सारे अस्त्र तुम्हारे, तुम्हें सहज सुलभ होंगे और आपके ऊपर हमारे अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये सब आशीर्वाद हनुमंत लाल जी को देख करके परम शक्ति संपन्न देवताओं ने बना दिया, तब जाके पवन जी प्रसन्न हुए। इसलिए पवन सुत परम पराक्रमी हैं, और यदि इनको ये पता हो कि हम में कितना बल है तो फिर तो कहना ही क्या है, वो तो शाप के कारण बल को भूल जाते हैं। बोलो जय सियाराम। तो वो घटना सूर्य भगवान ने याद करी कि जब छोटा सा बच्चा था तब तो इसने हमको रसगुल्ला समझ के मुंह में धर लिया, तो ये बड़ा हो गया थोड़ा, अभी हमारे पास क्यों आया है। तो सूर्य भगवान ने हाथ जोड़े, कहो भगवान कैसे आना हुआ। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव हम आपसे पढ़ने आए हैं, हम आपको गुरु बनाने आए हैं, अब डरिए मत। वो बचपने में थोड़ा बचपना हमारे से हो गया, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, आप गुरुदेव बन के हमें ज्ञान दीजिए, हम आपका आशीर्वाद और विद्या लेने आपसे आए हैं। सूर्य भगवान ने मन में सोचा, ऐसे खतरनाक चेला को दूर ही रखना चाहिए, पढ़ाने में कहीं हमने डांट दिया और इसका मूड खराब हो गया तो फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए दोबारा, ऐसे चेला से बचना ही चाहिए। सूर्य भगवान ने बचने का प्रयास किया और कहा, देखो पवनसुत, तुम जानते हो मैं बड़ा कर्म योगी हूं, मैं हमेशा चलता रहता हूं, यदि मैंने चलना बंद कर दिया तो जहां अंधेरा है वहां अंधेरा रह जाएगा, जहां उजेला है वहां उजेला रह जाएगा, सारी व्यवस्था संसार की चौपट हो जाएगी। अब हमारे पास समय फुर्सत कहां है जो तुम्हें पढ़ाए, इसलिए क्षमा करें, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते। हनुमान जी बोले, अच्छा केवल यही समस्या है कि आप बैठ नहीं सकते, रुक नहीं सकते, तो आप उसकी चिंता मत करो, हम जितनी गति से आपका रथ चलता है परिभ्रमण करते हुए, उतनी गति से हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, आप पढ़ाते जाना हम पढ़ते जाएंगे, दौड़ दौड़ के पढ़ लेंगे। मानो जब हम मारुत तुल्य वेगम, हमारा वेग भी कोई कम थोड़ी है, हम मारुति हैं, पवन सुत हैं, इसलिए हमारी गति किसी प्रकार से कम नहीं है आपसे। सूर्य भगवान बोले, अच्छा तो हमारी गति के साथ ये दौड़ दौड़ के पढ़ लेगा, बड़ा विचित्र है भाई विद्यार्थी। पर सूर्य भगवान ने कहा, देखो भाई ये तरीका पढ़ने का नहीं होता, तुम दौड़ोगे यदि हमारे आगे आगे दौड़ोगे तो तुम्हारी पीठ होगी, हम पीछे होंगे तुम आगे होंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, और तुम हमारे पीछे दौड़ोगे तो हमारी पीठ होगी, तुम्हारा मुख होगा, हम पीछे मुड़ के कैसे पढ़ाएंगे तुम्हें, इसलिए आगे दौड़ोगे तब भी पढ़ना संभव नहीं, पीछे दौड़ोगे तब भी पढ़ाना संभव नहीं, इसलिए भैया हमारे पास समय नहीं है, तुम पधारो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। हनुमान जी बोले, महाराज उसका भी समाधान है मेरे पास। क्या? बोले, आप आगे की तरफ दौड़िए, अब मैं आगे दौड़ूंगा तो मेरी पीठ आपकी तरफ नहीं होगी, मैं आपकी तरफ मुंह करके पीछे की तरफ दौड़ूंगा, मैं जितना वेग से आगे की तरफ दौड़ सकता हूं उतने वेग से मैं पीछे की तरफ भी दौड़ सकता हूं, मैं पवन सुत हूं, हवा को चाहिए तब दौड़ा दो, इसलिए आप
आगे दौड़िए, मैं आपकी तरफ मुख करके पीछे की तरफ दौड़ूंगा, आप पढ़ाते जाएंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा, और नहीं तो आप मुझे अपने रथ में ही बैठा लो, आप पढ़ाते जाना, मैं पढ़ता जाऊंगा रथ में बैठ करके। सूर्य भगवान ने कहा देखो गुरु चेला एक आसन पर बैठ के नहीं पढ़ते, चेला को नीचे बैठना चाहिए, गुरु को उच्च आसन पर बैठना चाहिए, पठन पाठन तभी होता है। अब रही बात, ये समाधान सही है, और सुग्रीव जितनी भी समस्याएं सूर्य भगवान ने बचने के लिए बताई, पवन सुत ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। बोले गुरु जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, रथ में बैठ के आप चलिए, और रथ की गति से आपकी तरफ मुख करके हम पीछे की तरफ चलेंगे, आप पढ़ाते जाएंगे, हम सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अब तो सूर्य भगवान को बचने का कोई बहाना ही नहीं बचा, ये तो हर समस्या का समाधान लिए बैठे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। अच्छा तो ठीक है पढ़ा देंगे। अब सूर्य भगवान ने वेद मंत्रों के साथ हनुमंत लाल जी को पढ़ाना प्रारंभ किया, इसलिए वैदिक विद्वान है हनुमंत लाल जी, ये सूत्रधारी हैं, कांधे मूज जनेऊ साजे, यज्ञोपवीत धारण करके रखते हैं, क्योंकि वैदिक विद्वान हैं, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही वेदाधिकार प्राप्त होता है, इसलिए वैदिक विद्वान है। तो जब विद्या में सब प्रकार से परिपूर्ण हो गए, तब सूर्य भगवान से आज्ञा मांगी, गुरुदेव अब हम चलेंगे, आपको गुरु दक्षिणा क्या दी जाए। सूर्य भगवान बोले भैया तेरी गुरु दक्षिणा हमने बचपन में ही तुझसे ले ली थी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम यहां से कृपा पूर्वक पधारो, आप शिक्षा में परिपूर्ण हो चुके हो। हनुमंत लाल जी बोले गुरु जी आप डरिए मत, बिना गुरु दक्षिणा के विद्या फलीभूत नहीं होगी, गुरु दक्षिणा तो मैं देके ही जाऊंगा, आप आज्ञा करें। पहले हमारे भारतवर्ष में ऐसी गुरुकुल पद्धति थी कि शुल्क नहीं लिया जाता था पढ़ाने के बदले में, बल्कि विद्यार्थी पढ़ता था, पढ़ने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा दे करके गुरुकुल से निकलता था, और उसी शिक्षा नीति का परिणाम था कि एक ही गुरुकुल में श्री कृष्ण जैसे राजकुमार भी पढ़ रहे हैं और सुदामा जैसे अकिंचन ब्राह्मण बालक भी पढ़ रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अकिंचन से अकिंचन ब्राह्मण बालक और एक राजा का बेटा दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, शिक्षा की ये समानता थी भारत भूमि में गुरुकुल पद्धति के अनुसार। तो गुरु दक्षिणा दिए बिना विद्या फलीभूत नहीं होती। तो सूर्य भगवान ने विचार किया ये बानर है बड़ा बुद्धिमान, इसने दौड़ दौड़ करके और मेरी सारी विद्या कुछ ही दिनों में सीख ली, इतनी जल्दी कोई सहजता से इतनी विद्या को ग्रहण नहीं कर सकता, बुद्धिमतां वरिष्ठ है ये, इसलिए इससे कुछ लाभ लिया जाए। तो बोले पवन सुत यदि हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो एक दो, क्या सुग्रीव सूर्य भगवान के पुत्र हैं और इंद्र के पुत्र हैं बाली, ये जितने भी हैं ना बानर राम जी की सेवा में विविध अंशों से देव अंशों से ही प्रकट हुए हैं, तो सूर्य पुत्र हैं सुग्रीव, इसलिए सुग्रीव का ध्यान सूर्य भगवान रखते हैं। विचार किया सुग्रीव बेचारा अपने भाई बाली से पिट करके भागता फिर रहा है इधर उधर मारा मारा, यदि इस जैसा बुद्धिमान ये भी बानर है वो भी बानर है, हनुमंत लाल जी जैसे परम बुद्धिमान बानर का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो मेरे पुत्र सुग्रीव का जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए का पुत्र पवन सुत यदि तुम हमें गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हम आपसे एक ही गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि जब तक प्रभु की प्राप्ति न हो जाए मेरे पुत्र सुग्रीव को, तब तक तुम्हें उनका साथ निभाना है, उनके साथ रहना है, उन्हें राम जी से जोड़ने का प्रयास करना है। हनुमंत लाल जी चूंकि वचनबद्ध थे, गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा मांगी है तो हनुमान जी ने वो वचन दिया, और तब से हनुमंत लाल जी सुग्रीव जी की सेवा में गुरु आज्ञा से रहने के लिए आए हैं। तह रह सचिव सहित सुग्रीव। अब उन सुग्रीव ने जब राम जी को ऋषिमुख पर्वत की ओर आते देखा तो भयभीत हो गया, हनुमान जी से कहा हनुमान मैं तो भागा, परंतु भागने से पहले तुम जाकर के एक बार देख के आओ, पता लगाओ ये कौन है, इनकी मनस्थिति क्या है, ये इधर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, यह तुम्हें लगता हो कि ये बाली के भेजे हुए कोई महान वीर मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं,
तो मुझे धीरे से इशारा कर देना, बस मैं तुम्हारा संकेत पाते ही भाग लूंगा, तुम्हारे इशारे पर चलूंगा, तुम जाके पता लगाओ। तो ब्रह्मचारी का वेश बना करके हनुमंत लाल जी चले। बेप्ररूप धरे कपित गय, बेप्ररूप धरे कपित गय, बेप्ररूप धरे कपित गय, बेप्ररूप धरे कपित गय। माथनाय पूछत अस भयउ, माथनाय पूछत अस भयउ, को तुम श्यामर गौर सरीरा, को तुम श्यामर गौर सरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बर वीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बर वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गावी, कठिन भूमि कोमल पद गावी, कवन हेतु बन चरेउ स्वामी, कवन हेतु मन विचरेउ हेतु बन चरेउ विचरेउ हनुमतला जी चले। अब देखिए सुग्रीव को भगवान का दर्शन करके तो भाव से भर जाना चाहिए, पर सुग्रीव भय से भर रहे हैं क्योंकि उन्हें भ्रम हो गया कि ये कोई शत्रु आ रहा है। भगवान को देखकर बहुतों को भ्रम हुआ, सती जी को भी भ्रम हुआ था। भगवान की सगुण लीला में बड़े बड़े महापुरुष भ्रमित हो जाते हैं कि ये भगवान है भी कि नहीं। और ध्यान दें सती जी के चरित्र से आप परिचित हैं। सती जी भोलेनाथ के साथ राम कथा सुनने आई थी अगस्त बाबा के आश्रम में। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की घटना है, जब राम जी का अवतार हो चुका था तब के समय की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि माने अगस्त मुनि, कुंभ से जिनका जन्म हुआ है, ऐसे कुंभज अगस्त मुनि के पास गए राम कथा सुनने के लिए। पर भोले बाबा तो प्रेम से राम कथा सुने, पर सती जी ने सुनने में ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ध्यान? क्योंकि जब भोलेनाथ सती जी के साथ कथा सुनने आए तो अगस्त मुनि ने महादेव की बड़ी पूजा करी, चरण धोए, आसन दिया, तिलक किया, माला पहनाई, अतिथि स्वागत किया। तो सती जी के मन में भ्रम हो गया, हम तो इनसे कथा सुनने आए हैं और ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब हम इनसे ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी हमको क्या सुनाएंगे। देखिए यदि आपको कोई प्रणाम कर रहा है तो आप उसकी विनम्रता का दर्शन करें, ना कि अपनी अहंकार का। अपनी श्रेष्ठता को देखोगे तो अभिमान पैदा होगा कि देखो हम बारे हम हमारी कैसी पूजा हो रही है, कैसे हमारे चरणों में ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा विचार आएगा तो अभिमानी बन जाओगे। और जब दूसरे को प्रणाम करते देखकर ये विचार करोगे देखो कितना विनम्र है, इसके संस्कार कितने सुंदर है, तो ये माने प्रणाम तो मैं कोई कर रहा है तो ये उसके संस्कार है, आवश्यक नहीं वो आपसे कम पढ़ा लिखा हो।
तो प्रणाम यदि कोई भी करता है तो उसके संस्कारों को देखो, न कि अपनी विशेषता को। ये महामुनि अगस्त के संस्कार है कि देवाधिदेव महादेव मेरे आश्रम में आ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आवश्यक नहीं कथा सुनने वाले श्रोता सब अल्पज्ञ हो। अरे भोले बाबा कथा वाचक भी हैं, कथा सुनाते हैं। रचमहेश निज मानस राखा, रामचरित मानस के रचनाकार तो भोलेनाथ हैं। पाए सो समय सिवासन भाखा, मौका मिला तो पार्वती जी को सुना दिया। परंतु वक्ता क्या श्रोता नहीं बन सकता? आप भी कोई कथा वाचक आकर के कथा में बैठ जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कम जानता है इसलिए हमारी कथा सुनने आया है। मौका मिला तो हम भी किसी की कथा में जा सकते हैं। तो जो भी आपको प्रणाम करके बैठता है उसके संस्कार, उसकी विनम्रता को देखना चाहिए, न कि अपनी विशेषता को। तो भोले बाबा तो अगस्त जी की विनम्रता देख रहे हैं कि ये विद्वान कथावाचक है, हम इसे कथा सुनने आए हैं। वक्ता का पूजन तो श्रोता करते हैं, ये ऐसे श्रोता है जो ऐसे वक्ता है जो श्रोता का पूजन कर रहे हैं। मैं कथा सुनने आया, ये मेरी पूजा करने लग गए। कैसे विचित्र, बड़े संस्कारवान महात्मा है। पर सती जी ने उल्टा समझा कि ये हमको क्या सुनाएंगे, ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं। इसलिए सती जी ने सुनने में कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि भगवान की महिमा नहीं समझ में आई। और जब राम जी रोते हुए बिलखते हुए उस समय बन बन विचरण कर रहे थे और भोले बाबा कथा सुन करके निकल रहे थे, तो जैसी देखा रही राम जी की लीला चल रही है, नर लीला चल रही है, तो महादेव तो सर्वज्ञ हैं। भगवान की ये रोते हुए नर लीला देख करके भगवान की महिमा से परिचित है महादेव, इसलिए महादेव जी को तो कोई परेशानी नहीं हुई। पर सती जी को परेशानी हो गई। और फिर परेशानी कब हुई? जब महादेव ने दूर से ही राम जी के चरणों में प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद घन पावन अस कहे चलेउ मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, प्रभु आपकी जय हो। सती जी का मूड खराब हो गया। मेरे देवाधिदेव महादेव शंकर इस रोते हुए राजकुमार को जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। इनमें तो कोई भी लक्षण सच्चिदानंद का नहीं है। सत चित आनंद तीन शब्द है। सत माने जो तीनों सत्ता में रहता हो, भूत भविष्य वर्तमान में तीनों कालों में जिसकी शाश्वत सत्ता हो उसको सत कहते हैं। जो आज रहे कल का पता नहीं वो असत, जो सदा रहे उसको सत कहते हैं। चित्त, चित्त माने ज्ञान, जिसको अखंड ज्ञान प्राप्त हो, जिसके भीतर बिल्कुल अज्ञान न रह जाए उसको चित्त कहते हैं। और आनंद, जो सदा आनंद में मस्त रहता हो, जिसके जीवन में दुख क्लेश कभी ना आवे उसको आनंद स्वरूप कहा जाता है। अब राम जी में तीनों नजर नहीं आ रहे। यदि ये सत होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते? ये तो सोने का मृग का शिकार करने के लिए भाग लिए, इसलिए सत हो नहीं सकते। चित माने ज्ञान, ज्ञान घन होते तो इनको सब कुछ ज्ञान होता, इनको तो ये भी ज्ञान नहीं हमारी पत्नी कहां है, कौन लेके चला गया, कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए इनमें ना ज्ञान है ना इनमें सत है। और आनंद हो, आनंद होता तो रोते ही क्यों, ये तो रोते फिर रहे हैं। और रोते हुए पशु पक्षी जीव जंतुओं से पता पूछ रहे हैं अपनी प्रिया का, तुम देखी सीता मृग नहीं, तो इनमें काय का आनंद, ये तो रो रहे हैं। तो ना सत है ना चित है ना आनंद है। और भोले बाबा उनको कह रहे हैं जय सच्चिदानंद घन पावन। अब बोलो भ्रम वाली बात है कि नहीं? स्वाभाविक है, किसी को भी भ्रम हो जाएगा। भोले बाबा सती के भ्रम को समझ गए और समझाने लगे। सुनो देवी, अभी हम जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं ये वही राम जी हैं। वो कैसे हो सकते हैं? वो पूर्ण ब्रह्म राम है और ये तो राजकुमार दशरथ के बेटा राम है। इनकी पत्नी का अपहरण हो गया इसलिए जंगल में रोते फिर रहे हैं। मैं कैसे मानूं कि वही ब्रह्म है? ब्रह्म व्यापक होता है, उसका वो सर्वज्ञ होता है। इनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो ऐसे पूछते थोड़ी फिरते। सती जी की तर्क, दक्ष की बेटी है, बड़ी चतुर है। दक्ष माने चतुर होता है, चतुर की बेटी है तो जल्दी विश्वास कैसे करेंगे?
और भोले बाबा साक्षात विश्वास के स्वरूप हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, साक्षात विश्वास के स्वरूप भोले बाबा विश्वास के स्वरूप है, पर सतीपों को विश्वास नहीं दिला पा रहे कि ये सच्चिदानंद। देखो भाई, किसी पिक्चर में कोई मुंबई का अभिनेता और कुली का काम करने लग जाए और आप जब भी उसे देखो तो कहो हम जानते हैं इसको भैया, ये कुली है। तुम कैसे जानते हो? बोले हमने देखा था इनको, पिक्चर में देखा था कुली का काम करते हुए। अरे भैया, पिक्चर में कुली का काम कर रहे हैं, वास्तव में कुली थोड़ी है, वास्तव में तो बहुत बड़ा बंगला है उनका, और पिक्चर में जैसा रोल मिलता है वैसा काम करने लगते हैं। कभी कुली बन गए तो कभी तांगे वाले बन गए, परंतु वो न तांगे वाले हैं न कुली हैं, वास्तव में तो उनका बढ़िया बंबई में बंगला है। उसी प्रकार हमारे राम जी इस संसार के रंगमंच पर लीला करने आए हैं, अभिनय करने आ रहे हैं, और अभिनेता वही सफल होता है कि जो रोल करे उसको इतना जीवंत निभाए कि देखने वाले सचमुच रोने लग जाए, वही असली कलाकार है। कोई किसी नाटक मंच पर भिखारी का रोल कर रहा हो, फटे कपड़े पहन करके मांग रहा है, भाई मैं 5 दिन से भूखा हूं, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को देखो, और इतना उसने जीवंत अभिनय भिखारी का किया कि देखने वाले भी भावुक हो गए। और उसी में कोई मित्र बैठा था, वो आकर के तुरंत बोला भैया मैं घर से अभी टिफिन लेके आया हूँ, लो खा लो भैया, रो मत, घबराओ मत, मैं ये भोजन तुम ही कर लो आज, उसका तो सारा रोल ही खराब हो जाएगा। अरे उस समय तो वो जैसा रोल कर रहा है उसका आनंद लो, अपनी मित्रता वहां मत दिखाओ। तो भोले बाबा राम जी के परम मित्र हैं, राम जी रोने का नाटक कर रहे हैं और जीवंत नाटक कर रहे हैं, इसलिए भोले बाबा ने उस नाटक में कोई विक्षेप नहीं डाला, उनके पास भी नहीं गए, दूर से ही सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। और सती जी भ्रम में पड़ गई, सती जी को खूब समझाया पर सती जी को कुछ समझ नहीं आया, परीक्षा लेके ही मानी तब विश्वास किया। तो इन लीलाओं में भ्रम हो जाता है अभिनेता, कभी कभी कोई अभिनेता आतंकवादियों का रोल करते हैं, वो उन पर ऐसा फिट होता है कि वो हर पिक्चर में वो आतंकवादी ही बनते हैं, या तो आतंकवादी बनेंगे या खलनायक बनेंगे, कोई दुष्टता का ही अभिनय करके दिखाते हैं, उनकी छवि वैसी बन जाती है। और कभी कभी तो ऐसा वो रोल करते हैं कि लोगों को संदेह भी हो जाता है ये आतंकवादी रहा होगा या आतंकवादियों से इसकी कोई साठ गांठ होगी। तो असली कलाकार वही कहलाता है जो जीवंत दिखा दे अपना अभिनय। तो राम जी ने ऐसा बढ़िया रोल दिखाया कि सती जी को विश्वास ही नहीं हुआ, भोले बाबा ने खूब विश्वास दिलाने की कोशिश करी, और अंत में भोले बाबा को यही हाथ जोड़ के कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अस संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो, तुम्हें मेरे कहने पर विश्वास नहीं होता तो तुम ही जाके परीक्षा ले लो। सती जी ने चली गई परीक्षा देनी और ऐसी फैल हुई स्वयं, क्योंकि जो राम जी जानकी जी के लिए रोते फिर रहे थे, सती जी स्वयं जानकी बन के रस्ते में खड़ी हो गई। बोले अभी अभी पता चल जाता है ये सर्वज्ञ है कि नहीं। और रोते रोते राम जी ने जब सती जी को देखा तो तुरंत आंसू पहुंच रही है, मुस्कुरा के बोले माता जी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा को छोड़ के आप अकेली जंगल में कहां घूम रही है। अब सती जी के तो संकोच का ठिकाना नहीं, बेचारी घबरा गई, अरे राम राम। अंत तो गत्वा सती जी शर्मिंदा होकर के वहां से भागी, और जब भोले बाबा ने कहा कहो देवी विश्वास हो गया क्या, परीक्षा ली जरा बताओ तो सही, बोले तुरंत बोले नहीं नहीं महाराज, मैं उनकी क्या परीक्षा लेती, वो तो आपने प्रणाम किया, मैं उसी समय समझ गई ये निश्चित रूप से सच्चिदानंद ही होंगे, इसलिए मैं तो उनको प्रणाम करके चली आई। बोले बाबा समझ गए, यदि प्रणाम करके चली आती तो हमारे कहने से क्यों नहीं किया, कुछ झूठ बोल रही है। और ध्यान लगा के बोले बाबा समझ गए कि इन्होंने सीता जी का वेश बनाया, अरे राम राम, मेरी धर्म पत्नी और मेरी माँ जानकी का स्वरूप धारण करके आई है, इसलिए अब आज के बाद सती से कभी भेंट नहीं होगी, मन से सती का परित्याग कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि सती जैसी
शिव जी की धर्म पत्नी को इतना जबरदस्त भ्रम हुआ कि वो राम जी को पहचान नहीं पाई। परीक्षा लेने के बाद अंत में सती को शरीर त्यागना ही पड़ा और शरीर त्यागने के बाद वो हिमालय की बेटी पार्वती बन के पुनः भोले बाबा को प्राप्त हो सकी। उस परीक्षा का ये परिणाम हुआ कि शरीर छोड़ना पड़ा। पर सुग्रीव की एक विशेषता है, क्या सुग्रीव को भी भ्रम हो रहा है, परंतु दोनों के साथ दोनों की नाम राशि भी एक ही है, सती और सुग्रीव, और दोनों को भ्रम भी है। पर अंतर क्या है दोनों के भ्रम में कि सती भगवान भोलेनाथ जो सदगुरु हैं उन पर विश्वास नहीं कर रही, जो विश्वास के ही स्वरूप है, परंतु सुग्रीव की विशेषता है उसको भ्रम तो है कि बाली ने भेजा है किसी को, परंतु अपने से ज्यादा विश्वास वो हनुमान जी के ऊपर करते हैं। और हनुमान जी कृपा करो गुरुदेव की नाई, वो गुरु स्वरूप है, इसलिए हनुमान जी से कहा कि तुम जाके पता लगाओ, तुम जो कहोगे सो मैं करूंगा, और जो अपने से अधिक गुरु के नयनों पर विश्वास करता हो, गुरु पर भरोसा करता हो कि वो जो कहेंगे, मैंने ईश्वर को नहीं देखा है पर गुरु जी कह रहे हैं तो ईश्वर होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास यदि मन में शिष्य को हो जाए तो वो अल्पज्ञ होकर के भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सुग्रीव का जीवन सुधर गया, गुरु वचन पर विश्वास करके राम जी को प्राप्त हो गया। पर सती जी ने अपने सदगुरु स्वरूप शिव पर विश्वास नहीं किया, इसलिए भ्रम में उनकी बात नहीं बन पाई, शरीर त्याग करके अगले जन्म में उनको राम जी के प्रति विश्वास जगा। इसलिए हम सबको इस कथा से, हनुमान जी के इस चरित्र से संकेत लेना चाहिए कि हमें अपनी आंख से ज्यादा भरोसा गुरु पर हो, ऐसे सदगुरु का आश्रय लो, तो निश्चित रूप से ऐसे सदगुरु श्री हनुमंत लाल जी हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाही, तो गुरु जी के रूप में हनुमंत लाल जी हम सब पर कृपा करें। इसी भाव के साथ महावीर बेनव हनुमाना महावीर बेनव हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप श्री हनुमंत लाल जी महाराज दो बार भगवान का नाम संकीर्तन सब मिल करके करें और फिर इसके साथ सत्संग सत्र को विश्राम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप आए और हनुमान जी के चरित्र के माध्यम से हमको भी अपनी वाणी सफल करने का कुछ समय प्राप्त हुआ। अब कल भी साढ़े छह से साढ़े आठ पौने नौ तक चलेगा कार्यक्रम, तो अब हनुमंत लाल जी के ही इन सूत्रों के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि सदगुरु की तरह है वो कैसे कृपा करते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
सिया राम जय महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की जय जय सीताराम।